वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम आयना है एंड आपका मेरे नए ब्लॉग में स्वागत है। आज का ब्लॉग कुछ स्पेशल है क्योंकि ये ब्लॉग पहाड़ों से नहीं, मेरे घर के किचन से बन रहा है। सो आई थॉट टू मेक दिस ब्लॉग टुडे बिकॉज मैंने आज ब्रेकफास्ट में कुछ नया, कुछ अलग एंड कुछ बहुत ही सिंपल बनाने का सोचा। सो आई थॉट चलो वाई नॉट टू शेयर दिस रेसिपी विद यू बिकॉज इट्स सुपर ईजी एंड द इन्ग्रीडियंट्स आर ऑल्सो ईजिली अवेलेबल एंड मुझे ऐसा लगता है कि बहुत यम्मी सा कुछ बनेगा। तो मुझे लगा मुझे इसे रिकॉर्ड जरूर करना चाहिए। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट इनटू इट। सो दीज आर द फोर बेसिक इन्ग्रीडियंट्स। दीज आर द टॉर्टिला रैप्स, दिस इज स्पिनच, पालक भी कहते हैं इसे, मशरूम्स एंड दिस इज द मिक्सचर ऑफ शेडर एंड मोजरेला। सो ये तीन इन्ग्रीडियंट्स चाहिए अंदर, इनको मैं सॉटे करूँगी एंड ये होगा हमारा रैप। तो ये बेसिकली हमारा बन रहा है मशरूम स्पिनच टॉर्टिला रैप। सो सबसे पहले मैं मशरूम और पालक को अच्छे से धो लूँगी, पालक को स्पेशली क्योंकि उस पर बहुत ही ज़्यादा मिट्टी लगी होती है। सो अच्छे से क्लीन करने के बाद हम इसके जो पता नहीं क्या कहते डंठल कहते हैं क्या कहते हैं, इन डंडियों को काट लेंगे अच्छे से। एंड जितनी स्पिनच लो उतनी कम है क्योंकि आफ्टर बीइंग कुक्ड ये बहुत ही ज़्यादा ना सिकुड़ जाती है और छोटी सी हो जाती है। मैंने कर लिया है इन दोनों ही वेजिटेबल्स को बारीकली चॉप एंड पैन में लगभग 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल डालकर मैं इन दोनों वेजिटेबल्स को अच्छे से कर लूँगी सॉटे। सो जैसा कि मैंने कहा था मेरे डालने के विद इन अ मिनट और 2 ये एकदम से देखो कितनी सी बची है। पालक इतनी सारी दिखती है और 2 मिनट बाद इतनी सी हो जाती है, ये अपना वाटर सारा रिलीज कर देती है एंड पूरी सिकुड़ जाती है। सो इट्स ऑलमोस्ट कुक्ड, मैं इसको 2-3 मिनट और कुक करने दूँगी, बेसिकली टोटल 5 मिनट्स एंड देन हमारी फिलिंग हो जाएंगे रेडी। इतने में मैं अपने ग्रिलर को होने रख देती हूँ गर्म, इसकी हालत में हमें जाना बहुत गंदा हो रहा है। Now the time to transfer. So ये हो गए हैं हमारे मशरूम स्पिनच रोल्स रेडी। अब जल्दी से मैं ये अपनी बहन को और खुद को टेस्ट करा के आपको रिव्यूज देती हूँ कि कैसा बने। सो मैंने इनको कर लिया हाफ में कट और अब मैं इसको लेके जा रही हूँ अपनी बहन के पास। आ गए बता खा के कैसा लग रहा है देखने में पहले बता। इतना भी एस्थेटिक तो नहीं लग रहा बट कोई बात नहीं, खा के बताओ। मच्छरों वाला राकेट दिख रहा है। एनीवे ऑनेस्ट रिव्यूज चाहिए। नाटक तो नहीं कर रही श्रेया, जेन्युइन रिव्यूज दे। मतलब कुछ इसके टेस्ट और फ्लेवर्स के बारे में बताओ, मशरूम स्पिनच और चीज का कॉम्बिनेशन कैसा लग रहा है? मैं ही बोल रही थी चीज़ फ्लेवर आ रहा है, मशरूम का भी फ्लेवर आ रहा है, स्पिनच का नहीं आ रहा तो कितनी गंदी फूट रही है। मैं आपको खा के बताती हूँ एग्जैक्टली इसका टेस्ट कैसा है। सो इम्प्रोवाइजेशन कुड बी कि मैंने इसमें कोई भी मसाले नहीं डाले हैं, तो हम इसमें थोड़ा बहुत नमक और काली मिर्च डाल सकते हैं तो उससे थोड़ा फ्लेवर एनहांस हो जाएगा। अदरवाइज इट्स टेस्ट इज वेरी वेरी गुड। एंड जो लोग मशरूम प्रेफर नहीं करते वो स्पिनच के साथ स्वीट कॉर्न भी डाल सकते हैं, पनीर भी डाल सकते हैं, तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन आप जरूर ट्राई करना। एंड मैं एक सिमिलर डिश बनाती हूँ मशरूम स्पिनच ऑमलेट जो मेरे फेवरेट है, उसमें मुझे नमक वमक की कमी इसलिए फील नहीं होती क्योंकि मैं जो ऑमलेट का पेस्ट बनाती हूँ उसमें ही सारे मसाले होते हैं एंड अंदर फिलिंग इस चीज की कर देती हूँ। तो ये आप जरूर ट्राई करना और अगर आप करो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसी रही आपकी रेसिपी बनाने की जर्नी और आपको कैसी लगी रेसिपी। सो इफ यू लाइक इट एंड इफ यू वांट मी टू पोस्ट मोर फूड वीडियोस एंड फूड रिव्यूज एंड कुकिंग वीडियोस बेसिकली, तो ये भी कमेंट सेक्शन में बताना और इस वीडियो को सपोर्ट करना बाय लाइकिंग, कमेंटिंग एंड शेयरिंग, अपने मम्मी पापा से भी शेयर कर देना और उनसे बना भी खाना और ये तो इजी है, खुद भी बना के खाना। बाय बाय। बन गया है रैप हमारा रेडी, अब टाइम टू टेक इट आउट। हाथ से उठो अबे यार।
गर्म होएगा ध्यान से। अरे मैं निकाल देती हूँ, चुप का पड़ा। तो सारे दिन तो न्यू क्लोज चल रहा है, ऐसे साफ करो। सफाई तो करनी थी ना, चुप का पड़ा है। लाओ पास। सो टाइम टू टेक इट आउट। कितनी एक्टिंग कर रही हूँ वाल्टर जी, किसी को पता नहीं है कि हमने कैसे उखेड़ा है। हाथ ना गल्ला। दिख भी रहे, पता नहीं क्या कर लेते हो तू। वहां से एकदम से हाल आएगी तो इसको मैं कर लूंगी ऐसे हाफा। हो नहीं रहा, कुछ होता है मुझसे व्लॉग में, पूरा व्लॉग खराब हो जाता है। ज्यादा तो सुना मत करो, मेरे पीछे खड़े होके तो हंसते हो। मैं साइज नहीं लग रहा है ना मैं। अरे चुप रहे ना, ये मिल गया, चुप रहे। तो मैं सॉरी।